नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और लगातार आपको मैं एक से एक वीडियो अपडेट कर रहा हूं जो कि आप लोगों के बीच एक अलग संदेश जा रहा है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं वी पार्क में और यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर हमें मिल गए हैं जो कि वो अपना एक मुकाम बना रहे हैं यूट्यूब के क्षेत्र में और लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक से लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन कोई लाखों में जाता है, कोई करोड़ों में जाता है और कोई आपको बता दें कि और कहाँ पे जाता है, आप देखते ही हैं। लगातार लोगों की स्टोरी आप देखते रहते हैं। आजकल इंटरनेट फेसबुक का ज़माना है और इसी के बीच में आज पकड़ा गए हैं इसी पार्क में हमारे अमित एपी करके इनका चैनल है और ये प्रैंक वीडियो बनाते हैं। आइए हम लोग इनसे बात करेंगे और इनके कहानी के बारे में ज़रा समझेंगे और इनके साथ एक प्यारी सी मैडम भी हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अमित जी, पीजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। जो कि मेरा नाम फूल है अमित यादव, मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर से, जो कि गाँव में बिलोंग करता हूँ जगदीशपुर, और मैं प्रैंक वीडियो शूट करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है अमित AKP, जो कि फनी वीडियो मैं शूट करता हूँ। अच्छा अमित, कब से आपके मन में ख्याल आए कि हमके यूट्यूब पे आवे के बाद और एक मुकाम हासिल करे के बाद और प्रैंक वीडियो शूट करे के बाद, और ये सब करने में क्या कठिनाइयाँ रहीं? आपके लाइफ का वो मोमेंट बताइए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई करना पड़ा। जी, पहले तो मैं VMAT, जो कि VMAT पे मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान था, जो कि अब्दुल्ला पठान थे, ऐसे लोग क्रिएटर को मैंने फेल करके, अच्छे अच्छे क्रिएटर को मैंने फेल करके पूरे पूर्वांचल यानी UP में मेरा चौथा स्थान था पूरे, जो कि लोग मुझे गिफ्टिंग करते थे, अर्निंग भी पैसा बहुत ज़्यादा कमाते थे ना VMAT से, और TikTok पे भी मेरे मिलियन फॉलोअर थे, वीगो पे भी मेरे मिलियन फॉलोअर थे। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन पे मैं यूज कर रहा था, जो कि वो सारे कोरोना के दौरान बंद हो गए। तब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, दिमाग में मेरा काम नहीं, मतलब मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। एक दिन अचानक मेरे भैया आए छुट्टी, जो कि मेरे भैया रेलवे में RPF में हैं, वो आए छुट्टी, बोले कि क्या कर रहे हो आजकल, पढ़ाई वढ़ाई करो, नौकरी वोकरी आ रही है, भर्ती वर्ती देखो। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा अब पढ़ने का इच्छा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ जिस लाइन में हूँ उसी लाइन में रहूँ। तो बोले यार सबसे बेस्ट है कि यूट्यूब पर आप काम करो। तो उस दौरान मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो मैंने पोस्ट किया, जो कि हम लोग पहले फरुआई डांस करते थे। जी, फरुआई डांस, जो कि धोती वगैरह पहन के कमर में घुंघरू बांध के वो हम लोग डांस करते थे, जो कि गोरखपुरिया फेमस है फरुआई डांस, आप लोग सर्च मारेंगे तो आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जब पहला वीडियो डाला था, मेरा एक दिन में 4 लाख पहुँच गया था। अरे वाह, पूरा गर्दा कह देना। हाँ, एकदम गर्दा एकदम, जो कि मेरा भाई बुआ का लड़का है लोहा यादव, उसको मैंने, उसी का वीडियो वो था, मैं था, जो कि मैं जब डांस करता था तो अपन मालिक जो डांस करेगा तो वीडियो कौन शूट करेगा, इसलिए अपने भाइयों का वीडियो बनाता था मैं अपने मोबाइल से ही। हाँ, मोबाइल से वीडियो बनाते थे और उसको अपलोड करते थे, तो जो भी वीडियो था वो कॉपीराइट आ जाता था। मेरे दिमाग में आया था, फिर मेरे भैया बोले यार कुछ ऐसा काम करो, ये देखो लुच्चा वीर जैसे वीडियो शूट करते हैं ऐसे वीडियो शूट करो। हाँ, लुच्चा वीर यानी वीर यादव नाम है उनका। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मैंने वीडियो एक दो क्लिप मैंने शूट किया गोरखपुर में आके, जो कि मैं ऋतिक जायसवाल का, जो उनकी 26,000 सब्सक्राइबर थे, मैंने उनको देखा। मेरे एक हमारे बहुत खास मित्र हैं जो कि कुंदन हैं, वो जो उन्होंने मेरे पास सेंड किया, अमित भैया ऋतिक जायसवाल जैसे वीडियो शूट करिए। मैंने देखा, अच्छे तरीके से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा। मैं आया 17 बार, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, 17 बार आक्रमण हुआ था, 16 बार, 17वें बार में विजय प्राप्त की जीत मिली थी। हाँ, मैंने 16-17 बार आया, कोई कैमरा चलाने वाला नहीं था, तो मैंने आया, ऋतिक मिले, ऋतिक जायसवाल जो कि उनके आज सब्सक्राइबर हैं। हाँ हाँ, कहाँ पे हैं वो अभी, उनका भी इंटरव्यू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, मेरे खास मित्र, मेरे छोटा भाई है वो। हाँ, वो अभी बाहर गए हैं कुछ काम के लिए, अभी आ रहे हैं। अच्छा। हम उनको बुलवाएंगे। और जब मैं पहली बार आया ऋतिक जायसवाल से मिले, मैंने कहा कि सर मेरे, ऐसे बोले, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, ID में बड़े हैं, तो मैंने कहा सर मेरे वीडियो में कुछ बोल दीजिए ना, मैं सोचता हूँ कि मेरा भी वीडियो, हम आप जैसे वीडियो शूट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं प्रेस्टीज कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने कहा ठीक है, टाइम ले लीजिए। उन्होंने बोला, वो वीडियो मैंने डाला तो 4,000 व्यूज मेरे आए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसे करते 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 कई टाइम बीत गए,
तो हमको मिले एक मयंक राज जो कि ऋतिक के कैमरा करते थे, उनसे बोला कि क्या भैया मेरा भी आप कैमरा चला देंगे, बोले कि दोनों लोग का हम लोग शूट कर देंगे जी, दोनों लोग एक ही साथ वीडियो शूट करो। आज 8 महीना हो गया हमारे साथ मयंक और ऋतिक, जो कि मेरे बहुत खास मित्र बन चुके हैं, वो लोग मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। आज मेरे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अरे वेलकम पूरा कर, आएंगे हम आपके पास आपकी स्टोरी सुनने के लिए आएंगे। आप इतनी सुंदर मैडम लेके बैठे हैं, थोड़ा इनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। मैडम जब पहली बार इन्होंने इंस्टा पर मैसेज किया, ऋतिक सर का वीडियो देखे थी, तो इन्होंने मैसेज किया था, उनसे फ्रेंडशिप हुआ, मनो दोस्ती हुई, तो ये आई तो वीडियो में हमारे हम लोग के साथ आते 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 हम लोग में ऐसा दोस्ती आज आते आते पूरा एकदम साथे ले लिए, एकदम साथ में हम लोग के ए, मतलब इनके भी मैं सपोर्ट करता हूँ, ये भी हमारे सपोर्ट करते हैं, ऋतिक है, कुंदन है, मयंक है, हमारे सारे ग्रुप हैं, 4-5 लोग हैं, धीरज भैया हैं, हम लोग की वीडियो देखने के लिए हमारे धीरज भैया और अजय भैया ऐसे ऐसे लोग हम लोग की वीडियो देखने के लिए आए और देखते रहे, ये भी आई। इनको मैंने एक बार बोल दिया था, देखिए आप वीडियो शूट में डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि आपने कोई वीडियो नहीं शूट करते हैं तो डिस्टर्ब में इनको बुरा लगा होगा उस टाइम, लेकिन इनके मन में ख्याल आया कि जैसे ऋतिक कर रहे हैं, अमित कर रहे हैं, मैं भी करूँगी। अरे तो वाह क्या बात है, बात करने दीजिए जरा मैडम से, बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड़िया है और हर आईडी मैंने डॉली नाम से बनाई है, क्यूट डॉली 931 इंस्टा आईडी है और गुड़िया GKP ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल का नाम। तो गुड़िया आपके ओरिजिनल नाम बा और डॉली और गुड़िया के रहस्य हम जाने चाहते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही अर्थ है, बस क्या बोलते हैं नाम सेम ही है, बट इंग्लिश में है वो डॉली और उसी का हिंदी में गुड़िया। हाँ दोनों सेम ही है। अच्छा, बट अच्छा। कहने का तरीका अलग अलग, पसंद है वो बुला सकते, चाहे तो आप प्यार से गुड़िया कहें और चाहे डॉली कहें। क्या आप यहाँ गोरखपुर में? मैं डॉली नाम से ही फेमस हुई हूँ और मैं रहने वाली देवरिया जिला की हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए डॉली जी हैं और देवरिया से आके गोरखपुर में तहलका मचा दी हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि जितने भी यूट्यूबर गोरखपुर में आते हैं सबकी किस्मत पलट जाती है, क्या कुछ ऐसा है, ये सही है कि गलत? क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलते हैं हम लोगों के फ्रेंडशिप, अभी ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ बट जितना दिन से मैं जान रही हूँ, जिनके लोग साथ रहती हूँ जैसे कि अमित जी हुए, ऋतिक हुए और जितने भी हमारे फ्रेंड हैं, सबके साथ मैं रहती हूँ, सबके साथ रहने में इतना जान गई हूँ कि हाँ जो साथ देता है वो आगे बढ़ाने के लिए ये कर देता है, मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किए हैं लोग, तो इसलिए इन लोगों के साथ मैं वीडियो वगैरह शूट करते करते आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि गोरखपुर में नहीं तो 50% लोग तो जानते हैं। अरे वाह क्या बात है, अगर गोरखपुर में आपको 50% लोग जान गए तो आपको उत्तर प्रदेश के CM जो हैं, मुख्यमंत्री जी, वो गोरखपुर से ही हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। डॉली जी और एक प्रश्न बा, का करे के बाद लाइफ में आपके, का बने के बाद? लाइफ में मुझे एक्टर बनना है, जो मैं भोजपुरी मूवीज के जरा मैं काम करना चाहती हूँ, मेन लीड का जो रोल होता है वो मैं करना चाहती हूँ और मेरा यही ख्वाहिश है। सो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए, बाकी मैं स्ट्रगल करना नहीं छोड़ूंगी। और जो धीरज जी हैं, अमित जी हैं और अजय जी हैं, ऋतिक जी हैं, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सब लोग मेरे फ्रेंड हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो जब सब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका सपना जरूर पूरा होगा डॉली जी, और हम लोग भी चाहेंगे कि आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाए। डॉली जी जब एक आप अच्छे मुकाम पे होंगी तो सबसे बड़ा कदम आपका क्या होगा लोगों के लिए? लोगों के लिए मेरा सबसे बड़ा मुकाम क्या होगा? पहले मैं सबसे बड़ा कदम मुकाम, आप तो मुकाम पे पहुंच जाएंगी, कदम क्या उठाएंगी लोगों के लिए? लोगों के लिए क्या कदम उठाऊंगी? जैसे मेरे पास इनकम आएगा उसके बाद ही तो बताऊंगी ना, ऐसे कैसे पहले बता दूं? पहले बताने के बाद होता है कि फेक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखिए जो सामने दिखता है ना वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। जब मेरे साथ मेरे पास इनकम वगैरह अच्छा खासा रहेगा तो मैं कहूँगी क्यों करके दिखाऊंगी कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ कर रही है, कहने से कुछ होता नहीं। अच्छा डॉली जी और एक बात बतावा कि पढ़ाई लिखाई आपके कहाँ तक भइल बा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से? ये पॉलिटिक्स था। अच्छा, BA आपकी है? हाँ, तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? आगे पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मेरा उस समय मतलब मेरे एक भैया थे एक्सपायर कर गया, तो जिस समय हम लोगों का एग्ज़ाम था बड़े भाई के एक्सपायर कर गए, तो उसी समय मैं एग्ज़ाम छोड़ दी। जब एग्ज़ाम छोड़ दी तो उसके बाद कोरोना वगैरह हैं तेन जो भी हुआ आने लगा, तो फिर उसके बाद मैं सोची कि यार अब उम्र घटता तो है नहीं, उम्र बढ़ता ही जा रहा है, उसके बाद हम लोगों को लाइफ में कुछ करना चाहिए, अब
कुछ होने वाला है नहीं। अब देख लीजिए दोस्तों, लगातार मैं जो वीडियो आपको लेके आता हूँ उसमें कुछ न कुछ दुख भरी कहानियाँ होती हैं, और यहाँ से भी मैंने एक चीज़ निकाल लिया। देख रहे हैं डॉली जी कितना स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम बनाना चाहती हैं। तो आप ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो शायद वो दुख दर्द झेली हैं और उस हिसाब से ये लोगों का सपोर्ट करेंगे। अमित जी आपसे एक बड़ा सवाल है मेरा। एक आपका कमेंट बड़ा ट्रोल कर गया था, वो ट्विटर पे बहुत बड़ा ट्रोल कर गया था, वो पूरा एकदम विवादों में आप आ गए थे। क्या कुछ कहानियां थी भैया, जरा बयां करिए। तो जो कि मेरा एक सॉन्ग था, मेरा नहीं है, जो कि एक बुलेट राजा ने गाना गया था, आज भर ढिल्ला ढोड़ी धके छिल्ला। हाँ, उसी गानों को मैंने कन्वर्ट किया था अपने में, मतलब बना दिया। हाँ, मैंने बनाया था। हाँ, आज भर ढिल दो आलू धके छिल दो। अरे तो ये आज भर ढिल दो आलू धके छिल दो, ये कोई अश्लीलता नहीं है। बट मेरी वीडियो में स्कूली बच्चियाँ आ गई थी कुछ, तो उसमें मेरी वॉइस को भी लोग बुरा नहीं माने। हाँ हाँ। क्योंकि जो बुलेट राजा का जो सॉन्ग था, मैंने थोड़ा सा क्लिप हल्का जोड़ दिया था। हाँ हाँ। आज भर ढिल दा ढोड़ दा छिल्दा। अच्छा तो, अच्छा अमित जी जरा उस गनवा की लाइनियां बतावा जवान। बुलेट राजा कौन गाया है इस गाने को? इस गाने को गाया है बुलेट राजा जी ने, और फीमेल सिंगर नेहा राज। हाँ, नेहा राज, जो की वो जैसे छिपकली और छिपके दीवार से, वैसे छिपक जा तू अपना भतार से। तो ओ मतलब फिर आगे है करीम, सॉरी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़की गाती है आराम से। हाँ। कि आज भर ढील दो ढोड़ी धो के छील दो, ये चार हलवा मीजे आज तानी हाउ वाला फील दा। ठीक है, सुनिए ओ निहाराज, ये बताइए, ये अश्लीलता है कि मैंने कहा, बस इतना ही बोला था। हाँ, अपना वाला आज भर ढील दो आलू धो के छील दो। हाँ। मेरा यही शब्द है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। ठीक। उसके बाद ट्विटर किया था, सीएम के पास गया था, रवि किशन जी के पास गया था, थाने कैंट गया था, फिर थाना खोरा भर गया, फिर चौकी मेरे जगदीशपुर पे गया था। मेरे भी पापा सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनके पास फ़ोन गया था, तो मुझे बुलाया गया, मैंने गया, तो एक इंस्पेक्टर साहब बोले कि ये वीडियो आपका मतलब ट्यूट हुआ है, आप वीडियो डिलीट करिए, एक माफीनामा वीडियो शूट करिए। तो मैंने माफीनामा वीडियो शूट भी किया था कि सॉरी गाइस, जो मेरे तरफ से आप लोग को दुख हुआ था, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ऐसा वीडियो मैं शूट ना करूँगा। तो क्यों रवि किशन जी ने ये गाना पे फिल्म किया था, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, क्या ये अश्लीलता नहीं है? बता दे कि जिस वक्त तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से ये गाना शूट किया गया था, और जिस समय ये गाना रिलीज हुआ था ना, आपको बता दें भोजपुरी में अश्लीलता उस समय नहीं थी, लेकिन जैसे ये गाना मार्केट में आया था ना, तो ये भी ट्रोल कर गया था, खूब वायरल हुआ था, तहर लहंगा उठा दे रिमोट से। लेकिन यहाँ पे जो आपने गा दिया, उसको क्यों इतना लोग मतलब विवाद में ले लिए अमित जी, इसका क्या रीजन है? जो कि गोरखपुर के हम रहने वाले हैं जी, और गोरखपुर के कुछ चंद जो अभी 200 400 500 सब्सक्राइबर वाले चैनल वाले हैं, सोचे कि ऐसे वीडियो उठाऊंगा तो मीडिया में वायरल हो जाऊंगा। अरे वाह। तो उनका व्यूज गया था 800। हाँ। जो कि 800, वो जाने कि अमित यादव का गया है व्यूज 35 मिलियन एक हफ्ते में, तो मेरा भी जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, जो कि 10 लोगों ने ट्वीट किया था, फेसबुक पे किया था, तो इसलिए उस गाने को लोग अश्लीलता बताए। जो कि कोई भी हम मेरा प्रैंक में एक बार जाइए अमित एकेपी में, आप लोग जाइएगा देखिएगा, कोई मेरा वीडियो ऐसा नहीं है कि मेरा जो लफ्ज निकलता है, किसी बहन बेटी चाहे माँ और आंटी जाती हूँ उनको हंसाने के अलावा हम लोग अश्लीलता बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग हंसाने के लिए बोलते हैं जी, कमेडी करते हैं बस। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि आज का जो दौर चल रहा है, यही कपिल शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ कि मुंबई में एक स्टेज बना के और लोगों को बुला के हंसा के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और यही जब गांव से एक यूट्यूबर स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर कितना ट्रोल किया जाता है, उसको कितना फंसा के बैक किया जाता है। दोस्तों अगर शायद उसके साथ भी लोग ऐसे सपोर्ट करें तो वो भी अपनी एक लंबी उड़ान और एक लंबी छलांग दे सकता है। क्यों अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ही चाहता हूँ कि मेरा जब मैं वीडियो पोस्ट किया था इंस्टा पे, मेरे 24 घंटे में मेरे 10 मिलियन गए थे। अरे वाह, बताइए बड़ी बात, 10 मिलियन 10 मिलियन बोल दिया गया तो कई करोड़। हाँ, 10 करोड़। एक करोड़ कहते हैं जी जी। तो उसके बाद देखते 7 दिन में मैंने देखा, छठवां दिन देखा तो 26 मिलियन गया।
तो सातवें दिन में देखा 33 मिलियन 32 मिलियन सातवें दिन, आठवें दिन वायरल होता गया। आठवें दिन मैंने देखा तो 33 मिलियन आठवें दिन मेरे पास कंप्लेन आ गया। अरे पप्पा, आठवें दिन पर मैंने वही लगा कि हो सकता है कि ये मतलब बहुत पॉपुलर ना हो जाए। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ इंस्टा पे तो मेरा कम से कम 5 मिलियन से कम नहीं जाता, 10 मिलियन 5 मिलियन 7 मिलियन मेरे इंस्टा आई डी अमित AKP ऑफिशियल आप लोग देखिएगा एक बार, जिसमें जो कि मैं वीडियो डालता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें मेरा उसमें बुराइयाँ हो चाहे अश्लीलता बातें बोला गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है। छोटी सी बात एक मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं कुंदन GKP ऑफिशियल, जो कि मैं बुलाना चाहता हूँ। आइए आ जाइए भैया, आ जाइए आ जाइए। जो कि मैं बताना चाहता हूँ, इनका देन है जो कि हमको बीगो भीमैट टिकटॉक वगैरह जितना मैं ऐप्स पर काम किया हूँ, इन्हीं का सपोर्ट था कि अमित भैया ऐसे करिए वैसे करिए आप वायरल हो जाएंगे। यूट्यूब पे जो भी हमारे काम करता है, जैसे कि मेरे चैनल को मैनेज करना, मेरे थंबनेल को बनाना, मेरे टाइटल को बताना, इन्हीं का काम है, बाकी इनसे पूछ सकते हैं। क्या बात है। तो कुंदन जी, सबसे पहले PG न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है भैया, बताइए अपने बारे में थोड़ा दर्शकों। तो मेरा नाम है कुंदन, ठीक है, और मैं गोरखपुर से आता हूँ, पीठ भैया साथ आता हूँ, और मैं इनका कैमरा मैन हूँ, और वीडियो भी इनका शूट करता हूँ, बनवाता हूँ, टैलेंट में ही मेहनत करता हूँ उनका। हाँ, मैं अमित भैया बोला आप भैया ऐसे ऐसे वीडियो बनाइए स्टार्टिंग में, उसके बाद से क्या हुआ भैया बनाने लगे वीडियो, बनाते बनाते मतलब भैया वायरल हुए, और तो फिर क्या हुआ आगे हम लोग चलते मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया हम लोग का, और फिर इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो गए। यही हम लोग की कहानी है। क्या बात है कुंदन जी, ये बताओ, बहुत सारे लोग हमारे दर्शकों हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि वो टेक्निकल रूप से एडिटिंग करना जानते हैं, किसी वीडियो को एडिट करके उसको अपलोड करना जानते हैं, लेकिन वो कहीं काम नहीं पा रहे हैं, वो किस प्रकार से काम करें। और इस समय देखिए बारिश भी हो रही है, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि बारिश भी हो रही है, बारिश में भी मैं आप लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूं, लगातार खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे लोग क्या करें कि वो भी एक अच्छा मुकाम बना पाएं। मुकाम तो मान लीजिए अमित भैया को भी बहुत अच्छा एडिटिंग आता है, काफ़ी अच्छे एडिटिंग कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, और सब मतलब कुछ कर लेते हैं, फिल्म भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मान लीजिए चलिए, हम बहुत मैं बता रहा हूँ जो कि हमारे दोस्तों आपको बता दें कि बारिश बहुत तेज हो रहा है, और इसी के साथ इस वीडियो को ब्रेक करना पड़ रहा है। मिलते हैं फिर से एक किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।